एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द डोमेन ऑफ अब इंटर सब डिविशन को डोमेन कटा सार्बकम अब फर्स्ट सब डिविशन पापम एफ ऑफ एक्स ईक्वल टू साइन इनवर्स मॉड एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय फोर इतमी को सो रे पार्ट सो ओवर पार्टे नम्बर तनि तनिया फर्स्ट पाती साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाय थ्री सो मोदल नम्बर फर्स्ट एम नम्बर फर्स्ट एपी एलो अब साइन साइन अब वैल्यू वो माइनस वन प्लस वन वाको अभी ना माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री लेस देन आर इक्वल टू प्लस वन इतमी एलिको इत साइन के बदला इतमी रे सैड एलिकेट ब्राकेट को वैल्यू अब एलें इत सिंप्लीफाई पड़ी इं पाती डिनामेटर थ्री अी वो कैनसल आगे अब नम्बर ईक्वेशन फे थ्री डिवेड पड़िया डिवेड पड़नों सारी डिनामेटर थ्री कैनसल आगे अब होल टर्म थ्री मल्टिपल पड़नों मल्टिपल पै थ्री मल्टिपल पड़ी माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री मारो लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स अब माइनस टू इी मल्टिपल पड़ोबेटर थ्रीय नम्बर मल्टिपल पड़कू थ्रीय कैनसल आो मीति मटक लेस देन आर इक्वल टू वन इंटू थ्री वो थ्री सो इतमी नमक और आंसर कहीं टू टू कैनसल आना इं मैनस्ून सो टू आड पड़ा होल टर्म टू आड पड़पर अड्डू टू आड पड़ी मैनस््री प्लस टू लेस देन आर इक्वल टू इं माइनस टू प्लस टू कैनसल आीति पाती मॉड एक्स मटको लेस देन आर इक्वल टू थ्री प्लस टू इनस थ्री प्लस टू वो माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव अब कॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू फाइव इत मैं तनिया अब मॉड एक्सन अड्ड कैनसल आगोद एक्स लेस देन आर इक्वल टू प्लस आर माइनस फाइव अब वो अगे फाइव माइनस फाइव सारी फाइव माइनस फाइवंगा इं आंसर कमारी इन पार्ट माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स पाती नम्बर नम्बर इप्ली एलिक्ल मॉड एक्स नम वसद मॉड एक्स मुझे एलिकटी अब इं लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू मारो माइनस वन अब इं मॉड कैनसल आई एक्स मटो लेस ग्रेटर देन आर इक्वल टू प्लस आर माइनस माइनस वन अब एक्स पाती मैन वन कमा माइनस वन अब कम नम्बर ब्राकेट इतमी दाँडो ऐसा ईक्वल सिंपल इप्डे रे आंसर या नेक्स्ट इत पार्टो कॉस इनवर्स वन माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय फोर अदमारी कॉसो वैल्यू पाती प्लस वन माइनस वन वरिदा सो नम्बर माइनस वन लेस देन आर इक्वल टू वन माइनस मॉड एक्स डिवाइडेड बाय फोर लेस देन आर इक्वल टू प्लस वन अब एपो डिनामिनेटर फोर कैनसल आगणुना इत होल टर्म नम्बर फोर मल्टिपल पड़नों फोर मल्टिपल पड़ी इं माइनस फोर लेस देन आर इक्वल टू इं फोर मल्टिपल आगे कैनसल आई वन माइनस मॉड एक्स मटो लेस देन आर इक्वल टू इोड फोरे मल्टिपल पड़ोब प्लस फोर अब इको इतना नम्बर इत सैडो अदारे सैडू को माइनस फोर माइनस वन मारो इत अंदोद लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स मटो माइनस मॉड एक्स मटो लेस देन आर इक्वल टू फोर इत अंदा माइनस वन मारो माइनस फाइव लेस देन आर इक्वल टू माइनस मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू थ्री अब इत मैन कैनसल आगे अब होल टर्म माइनसा मल्टिपल पड़ो अब माइनसा मल्टिपल पड़ोब इं मट माइनस प्लस आगे प्लस माइनसा अत ग्रेटर दाना लेस देन मारो लेस देन ग्रेटर दाना मारो सो मट ना यापचें अब इं माइनस फाइव वो प्लस फाइव मारो लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू मारो इंत मॉड एक्स मटो अत लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू अब मारो प्लस थ्री वो माइनस थ्री अब मारो इत पार्ट के मट पाती अब मॉड एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू फाइव अब इतनी फाइव कमा फाइव सारी माइनस फाइव कमा फाइव वो इत रेमेंट नम्बर एलो इप्ली
அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டை மட்டும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா மாட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வந்ததுனால இதோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும். ஸோ ஈக்குவல் இருக்கிறதுனால எடுத்துக்கணும். ஸோ மைனஸ் த்ரீ கமா ப்ளஸ் த்ரீன்னு வரும். இதெல்லாம் வந்து டொமைனாக வரக்கூடியது. ஸோ இதெல்லாம் இப்படியே இருக்கட்டும், ஏன்னா தனித்தனியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அப்படி இப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம கேட்டிருக்கிறது ரெண்டுக்குமே, இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டுக்குமே டொமைனாக எது வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்லேயும் இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள், இங்கேயும் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது, இங்கேயும் ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது. ஸோ இது ரெண்டுலேயுமே வரக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் தான். ஸோ எழுதும் பொழுது டொமைன் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் மைனஸ் ஃபைவ் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும். இதுதான் நமக்கு தேவையான ஃபைனல் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப்டிவிஷன், ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸ், இதான் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டொமைன் தான் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஃபஸ்ட்டு டொமைன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பார்ப்போம். டொமைன் ஆஃப் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ், நமக்கு எப்போவுமே நமக்கு தெரியும் சைன்னாலே ப்ளஸ் ஒன்லேருந்து மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் இதை மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் இதோட டொமைன் இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். அதே மாதிரி டொமைன் ஆஃப் காஸ் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு தனியாக கண்டுபிடிப்போம். இப்போ இதுக்கும் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்லேருந்து ப்ளஸ் ஒன் வரைக்கும் தான் இருக்கும். ஸோ மைனஸ் ஒன் கமா ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். இப்போ ரெண்டுக்கும் சேர்த்து தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க டொமைன். ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது டொமைன் வந்து இது ரெண்டுலேயும் இருக்கக்கூடியது சேமாக தான் இருக்குது, அதனால் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன்று தான் வரும். ஸோ தேர்ஃபோர் டொமைன் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் மைனஸ் ஒன் கமா ஒன், இதான் நமக்கு தேவையான ஃபைனல் ஆன்சர். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்.